दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले दोस्तों वीडियो को कर लीजिए लाइक दोस्तों, उसके बाद चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का अपडेट सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज यहां पे कौन सी भर्ती निकल के आई है, इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है और फॉर्म को कैसे भरना है। 22 की 5 बड़ी भर्ती आपके लिए लेके आ गए हैं दोस्तों। योग्यता केवल 10वीं और 12वीं पास रखा गया है दोस्तों। अगर आपको भी 2022 के मई महीने में दोस्तों एक अच्छी सी नौकरी चाहिए तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। 2 मई यानी आज के दोस्तों 5 बड़ी भर्ती आपके लिए लेके आ गए। इनमें से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको चांस ज्यादा रहेगा नौकरी मिलने का। तो अगर आप कक्षा 10वीं पास है, आपको अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिल पाया है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए 100% सही वीडियो लेके आ गए। इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको बताने वाले हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा वैकेंसी का डिटेल आपके सामने ओपन होकर आ गया दोस्तों। सबसे पहली हमारी वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ गई दोस्तों, एक्साइज डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट, यानी दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती निकल के आ चुकी। इसमें योग्यता केवल 12वीं पास रखा गया, आप यहाँ पे इस चीज को पढ़ सकते हैं। योग्यता यहाँ पे केवल 12th पास रखा गया है और दोस्तों कुल 600 पदों की बड़ी भर्ती निकल के आ चुकी है, आप यहाँ पे इस चीज को पढ़ सकते हैं दोस्तों। पूरा आपको देखिए वैकेंसी की डिटेल बताने वाले, इस तरीके से आपको 5 बड़ी भर्ती यहाँ पे बताएंगे, तो इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा और इस वैकेंसी की डिटेल कैसे देखना वो भी आपको बताने वाले। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी भर्ती यहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से निकल के आ गई है। यहाँ पे पोस्ट का नेम बताएगा कि एक्साइज कॉन्स्टेबल की भर्ती निकाली गई है दोस्तों। नंबर ऑफ वैकेंसी 600+ वैकेंसी निकल के आ चुकी है दोस्तों। इसके साथ इसका देखिए फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया है, 2 मई 2022 से इसका आवेदन शुरू कर दिया गया दोस्तों। इसके साथ यहाँ पे बताया गया कि 20 मई 2022 तक दोस्तों अब इसका आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे स्केल बताया गया कि 24,000 रुपये से लेकर 72,000 रुपये पर मंथ आपको वेतन मिलने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे योग्यता 12th पास, अगर आप इंटरमीडिएट किए हैं तो आप इसका आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट 18 साल से लेकर 22 साल का यहाँ पे रखा गया है। अप्लीकेशन फॉर्म भरने का फीस यहाँ पे दोस्तों 400 रुपये आपको देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो दोस्तों आपको 800 रुपये देना पड़ेगा, अगर आप तेलंगाना से हैं तो आपको 400 रुपये ही देना पड़ेगा। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया गया है कि आपका रिटर्न टेस्ट होगा दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा और फाइनल रिटर्न एग्जाम के माध्यम से आपको नौकरी यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। जॉब लोकेशन तेलंगाना, ऑल इंडिया के लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा वैकेंसी का डिटेल ओपन होकर आ गया है। तो दोस्तों अगर आप वैकेंसी की डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर चले आना होगा दोस्तों। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं दोस्तों govacancy.in दोस्तों, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर ओके करके पूरा वैकेंसी की डिटेल देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट में भी पिन कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप कमेंट करते हैं उस पर ओके करेंगे तो आपको वहाँ पे देखिए लिंक इसका मिल जाएगा। तो दोस्तों उस पर ओके करने से पहले दोस्तों पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद लिंक पे आप ओके करिए क्योंकि आपको और भी भर्ती यहाँ पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आपको दूसरी वैकेंसी यहाँ पे बताते हैं कि दूसरी वैकेंसी कौन सी है। तो दोस्तों दूसरी वैकेंसी हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की भर्ती निकल के आ गई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। परिवहन विभाग की तरफ से भर्ती यहाँ पे निकल के आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पे पोस्ट का नेम बताया गया कि ट्रांसपोर्ट कॉन्स्टेबल की भर्ती निकाली गई। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 63 निकाली गई है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे भी देखिए इसका फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया दोस्तों। 2 मई से लेकर 20 मई 2022 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ यहाँ पे स्केल बताया गया कि आपको 1 महीने में 24,000 रुपये से लेकर दोस्तों 72,000 रुपये तक आपको वेतन मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 12वीं यानी 12th पास रखा गया, अगर आपको अच्छा 12वीं पास है तो आप इसका फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर दोस्तों 22 साल के एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों यहीं पर देखिए अप्लीकेशन फॉर्म भरने का फीस बताया गया दोस्तों। अगर आप तेलंगाना से वीडियो देख रहे हैं तो आपको 400 रुपये फॉर्म भरने का फीस देना पड़ेगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पे 800 रुपये देना पड़ेगा फॉर्म भरने का। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया गया कि आपका रिटर्न टेस्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से आपको नौकरी मिलने वाला है। अप्लाई मोड यहाँ पे ऑनलाइन रहने वाला है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा दोस्तों। जॉब लोकेशन तेलंगाना रहने वाला है, ऑल ओवर इंडिया के लिए भर्ती निकाली गई है। किसी भी राज्य से वीडियो देख रहे आप इसका फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगली भर्ती देखते हैं दोस्तों। अगली भर्ती हमारी लोक सेवा आयोग की तरफ से निकल के आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों डिप्टी ऑफिसर की भर्ती निकाली गई दोस्तों यहाँ पे देखिए, और कमर्शियल टैक्स ऑफिसर की दोस्तों, तहसीलदार होगा दोस्तों, ब्लॉक ऑफिसर होगा दोस्तों, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, बहुत सारे अदर पोस्ट की भर्ती यहाँ पे निकल के आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतनी ढेर सारी भर्ती यहाँ पे निकाली गई है दोस्तों। ये देखिए लोक सेवा आयोग में भर्ती निकाली गई है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 283 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। इसके साथ दोस्तों इसका देखिए फॉर्म भरने के लिए बताया गया कि 2 मई से इसका फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया दोस्तों। 11 मई 2022 तक दोस्तों आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों नीचे आप यहां पे आएंगे तो दोस्तों पे स्केल बताया गया कि आपको सैलरी यहां पे कितना मिलेगा। तो दोस्तों अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर अलग अलग वेतन यहाँ पर रखा गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैक्सिमम आपको 56,000 रुपये तक यहाँ पर स्टार्टिंग वेतन मिलने वाला है दोस्तों। बहुत ही अच्छी भर्ती, आप इसके लिए आवेदन जरूर करिएगा। इसके साथ दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर आपने बी ए किया हुआ, बी एस सी
किया हुआ तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एज लिमिट रखा गया, तो दोस्तों कम से कम यहाँ पे 21 साल की एज लिमिट रखा गया, मैक्सिमम यहाँ पे 40 साल का एज लिमिट रखा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने का फीस बताया गया कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं अदर स्टेट के हैं तो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप ये देखिए महाराष्ट्र से वीडियो देख रहे हैं तो आपको 250 रुपये ही फॉर्म भरने का फीस देना पड़ेगा, चाहे OBC होगा PWD कैंडिडेट होगा, आपको 250 रुपये ही देना पड़ेगा। इसके साथ दोस्तों नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बताएगा कि प्री रिटन एग्जाम होगा, दोस्तों आपका मेन एग्जाम होगा रिटन, यहाँ पे देखिए इंटरव्यू होगा दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के माध्यम से आपको नौकरी यहाँ पे मिलेगा। अप्लाई करने का मोड यहाँ पे ऑनलाइन रहने वाला दोस्तों, जॉब लोकेशन MP यानी ऑल ओवर इंडिया महाराष्ट्र के लिए भर्ती निकाला गया है। इसके साथ दोस्तों यहाँ देखिए वो आपको बताएगा कि ऑफिशियल वेबसाइट के भी लिंक यहाँ पे दे दिया गया। इसके साथ नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों नेशनल बैंक की तरफ से भर्ती निकल के आ चुकी, चौथी वैकेंसी हमारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों, नेशनल बैंक रिक्रूटमेंट 2022। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताया गया कि बैंक की तरफ से भर्ती निकाली गई है, पोस्ट नेम यहाँ पे क्लर्क की पदों की भर्ती निकाली गई है। दोस्तों आपका देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट करना पड़ेगा कितनी वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इसका फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया, अप्रैल से इसका आवेदन शुरू है, मई 2022 तक आप इसका आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे स्केल की बात करें आपको सैलरी एक महीने में 11,000 रुपये से लेकर दोस्तों 31,000 रुपये तक वेतन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास कोई भी बैचलर की डिग्री है, अगर आपने BA किया हुआ BSc किया तो आप इसका आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों एज लिमिट 18 साल से लेकर दोस्तों 35 साल का रखा गया है। और दोस्तों फॉर्म भरने का फीस यहाँ पे सभी कैंडिडेट को 655 रुपये देना पड़ेगा। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से आपको नौकरी मिलेगा, अप्लाई मोड यहाँ पे ऑनलाइन रहने वाला है। दोस्तों जॉब लोकेशन आपका मुंबई महाराष्ट्र, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे दिया गया है। इसके साथ दोस्तों नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो हमारी 5वीं भर्ती यहाँ पे निकल के आ चुकी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से भर्ती निकाली गई, दोस्तों टेक्नीशियन की पदों की भर्ती निकाली गई, इसमें योग्यता 10वीं और 12वीं पास रखा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए योग्यता दिखा देते तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप 10th पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। दोस्तों आप यहाँ पे पोस्ट का नेम पढ़ ही सकते हैं, यहाँ पे टेक्नीशियन होगा, इसके साथ टेक्निकल पदों की भर्ती निकाली गई, नंबर ऑफ वैकेंसी 70 पदों की भर्ती निकाली गई है। इसके साथ दोस्तों इसका फॉर्म भरना 23 अप्रैल 2022 से शुरू कर दिया गया, 31 मई 2022 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्केल बताया गया कि आपको सैलरी एक महीने में कितना मिलेगा, तो दोस्तों टेक्नीशियन के लिए आपको एक महीने में 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक वेतन यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों वहीं पर टेक्निकल के लिए आपको एक महीने में 35,400 रुपये से लेकर 112,400 रुपये पर मंथ वेतन यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यहाँ पे डिटेल बताया गया कि अगर आप 10th पास है, इसके साथ अगर आपने ITI किया तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर टेक्निकल पदों के लिए यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा है, तो दोस्तों अगर आप कक्षा बस 10वीं पास है तो टेक्नीशियन के लिए आवेदन जरूर करिएगा। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपका एज लिमिट 18 साल से लेकर दोस्तों 28 साल का रखा गया है, दोस्तों आप इसके फॉर्म भर पाएंगे। और दोस्तों यहीं पर अप्लीकेशन फॉर्म भरने का फीस बताया गया, जनरल OBC EWS वालों को 500 रुपये देना पड़ेगा, जबकि महिलाओं को यहाँ पर कोई भी फॉर्म भरने का फीस यहाँ पर नहीं देना है, फ्री में आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस आपका ट्रेड एंड रिटन एग्जाम यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों अप्लाई मोड यहाँ पे ऑनलाइन बताया गया, जॉब लोकेशन कोलकाता वेस्ट बंगाल रहने वाला है। दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दोस्तों लिंक दे दिया गया, आप इस वेबसाइट पे जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसका देखिए वेबसाइट का लिंक दिया गया, तो आप इस पर ओके करके पूरा वैकेंसी की डिटेल देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जो भी डिटेल हमने बताया आपको समझ में आ गया। दोस्तों 5 बड़ी भर्ती आपको हमने यहाँ पे बता दिया। दोस्तों अगर आपको किसी और वैकेंसी के बारे में डिटेल चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों इसका अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जहाँ पर आप कमेंट करते हैं कमेंट में इसका लिंक पिन कर दिया गया, तो उस पर ओके करके पूरा वैकेंसी की डिटेल आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।